नमस्कार छात्रों, पीयूसी प्रथम विभाग में हिंदी विषय के विषय में दूसरे पाठ युवाओं से इस पाठ के बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। पहले पहल लेखक का परिचय देखेंगे। इस पाठ के रचयिता हैं स्वामी विवेकानंद जी। स्वामी विवेकानंद जी इसे हम सब जानते हैं, वैसे ही इनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आज हम प्राप्त करेंगे। जैसे कि स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 में कलकत्ता में इनका जन्म होता है। इनका बचपन का नाम जो है नरेंद्र, आगे आगे इनको स्वामी विवेकानंद नाम से बुलाया गया है। और विवेकानंद जी के माता का नाम है भुवनेश्वरी देवी और पिता का नाम विश्वनाथ दत्त। इन्होंने सितंबर 1893 में अमेरिका के चिकागो शहर में आयोजित सर्वधर्म सम्मेलन में हिंदू धर्म भक्ति और वेदांत के बारे में स्वामी जी ने जो भाषण दिया वह अद्वितीय था। यानी कि इन्होंने उस समय चिकागो में होने वाले सर्वधर्म सम्मेलन में ये भाग लिए चुके थे और इस कारण खंड खंडांतर में हिंदू धर्म का औन्नत्य भक्ति एवं वेदांत के प्रचार प्रसार में इनका निरंतर कार्य रहते रहे और इनकी मृत्यु 4 जुलाई 1902 को हो जाती है। और इनकी रचनाएं हैं कर्मयोग, भगवान कृष्ण और भगवद गीता, मरणोत्तर जीवन, मेरे गुरुदेव आदि इनके प्रमुख रचनाएं मानी जाती हैं। ये इनकी रचनाएं मानी जाती हैं। और प्रस्तुत संबोधन जो युवाओं से प्रस्तुत संबोधन युवाओं से है स्वामी विवेकानंद जी ने हमारे युवकों का मार्गदर्शन किया है। आपका विश्वास था कि देश का उद्धार केवल नवयुवतियों के द्वारा ही संभव है। स्वामी विवेकानंद जी ने हमें मानव निर्माण कार्य धर्म एवं आदर्शन की शिक्षा दी है जो हमारे राष्ट्र निर्माण के लिए उनकी अनुकूल देन है। इनके इस पाठ में विवेकानंद जी ने केवल नवयुवक और नवयुवतियों के लिए ही इस देश का उद्धार हो सकता है कहकर बताया गया है। और इतना ही नहीं, जो मानव निर्माण कार्य जो धर्म एवं दर्शन की शिक्षा जो दी गई है उसी से इस देश की उसी से हमारा राष्ट्र निर्माण के लिए वह एक अनुपम देन है जिन्हें बदल दिया गया है। स्वामी जी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में उनकी विचारधारा का परिचय विद्यार्थियों को दिलाने के लिए इस अनुदित पाठ का चयन किया गया है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हुए देखेंगे। युवाओं से पाठ में देखेंगे। मेरी आशा है, मेरा विश्वास आने की पीढ़ी के रवैयों को पत्र है। उन्हीं में से मैं अपने कार्यकर्ताओं का संग्रह करूंगा। वे सिंह विक्रम से देश की यथार्थ उन्नति संबंधी सारी समस्या का समाधान करेंगे। वर्तमान काल में अनुष्ठेय आदर्श को मैंने एक निर्दिष्ट रूप में व्यक्त कर दिया है और उसको कार्यान्वित करने के लिए मैंने अपना जीवन समर्पित कर दिया है। वे एक केंद्र से दूसरे केंद्र का विस्तार करेंगे और इस प्रकार हम धीरे धीरे समग्र भारत में फैल जाएंगे। यानी कि यहाँ पे स्वामी विवेकानंद जी का जो आशा है वो जो है वो एक जो विश्वास है वो विश्वास केवल नवयुवकों पर है। जैसे कि नवयुवकों को संगठित करना चाहते हैं और उन्हें ऐसी शक्ति समाना चाहते हैं जैसे कि सिंह विक्रम का हो, इनकी सिंह जैसा उन्हें शक्ति भरना चाहते हैं और इस वर्तमान काल में उन आदर्शों से
एक निर्दिष्ट रूप में व्यक्त कर देते हैं, उन्हीं आदर्शों से नवयुवकों ने वह नवीन शक्ति को भरते हुए इस देश में देश की उन्नति या तो प्रगति चाहते हैं और उतना ही नहीं अपना सारा जीवन इस नवीन सारा जीवन इस देश के लिए इस कार्य इस देश के कार्य के लिए वह समर्पित करना चाहते हैं। वे एक केंद्र से दूसरे केंद्र तक का विस्तार करना चाहते हैं, उतना ही नहीं उन युवकों से एक केंद्र से दूसरे केंद्र दूसरे केंद्र से ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते हुए साथ अनेक पूरे देश को उसे फैलाते हुए वह इस तरह से धीरे धीरे समग्र भारत में फैलाएंगे। वह सिंह विक्रम जो शक्ति होती है वह सारी शक्ति नवयुवकों द्वारा सारे देश में फैला जाते हैं। भरतवर्ष का पुनरुत्थान होगा यहाँ पर शारीरिक शक्ति से ही वरना आत्मा की शक्ति द्वारा। वह उत्थान विनाश की ध्वज लेकर नहीं वरना शांति और प्रेम की ध्वज से। मैंने अपने सामने यह एक सजीव दृश्य अवश्य देख रहा हूँ कि हमारी यह वृद्ध माता पुनः एक बार जागरूक होकर अपने सिंहासन पर नवयुवक और पूर्व की अपेक्षा अधिक महामहान्वित होकर विराजित है। शांति और आशीर्वाद के वचनों के साथ सारे संसार में उसके नाम की घोषणा करती हूँ। भरतवर्ष का पुनरुत्थान जो होगा वह केवल शारीरिक रूप से नहीं बल्कि वह आत्मा की शक्ति के द्वारा वह पुनरुत्थान होगा। भारत एक नवीन यानी कि फिर से एक नवीन भारत मन में चला है। वो केवल शरीर के रूप से नहीं बल्कि आत्मा के रूप से भी वह नवीन बनना है। वह उत्थान विनाश के ध्वज को हटाते हुए वह शांति और प्रेम के ध्वज को हाथ में लेते हुए वह पुनरुत्थान करना चाहते हैं और इतना ही नहीं उनको यह देखकर वह यह देखना देख रहे हैं कि इस देश में जैसे कि बूढ़ी माँ बूढ़ी वृद्ध माता आज फिर से अपनी जगह पर विराजमान है। पहले जैसे विराजमान नहीं है बल्कि अब वह कैसे विराजमान है जैसे कि सिंहासन पर एक महामहिमित होकर विराजमान है। उसने बहुत सारी ऐसी शक्ति आ चुकी है, वो पहले से ज्यादा वह बहुत शक्तिशाली हो चुकी है। इस तरह से भारत की माता वह अपने सिंहासन पर बैठ रही है जैसे विवेकानंद जी को दिखाई दे रहा है। शांति और आशीर्वाद के वचनों के साथ सारे संसार में उसके नाम की घोषणा करती है। भारत माता की जो घोषणा है इस तरह से होनी चाहिए पूरे शांति के साथ और उस भारत माता की आशीर्वाद के साथ पूरी घोषणा संसार में होना चाहिए वो ये बता रहे हैं। देखो वह निद्रित भारत अब जगने चला है, जागने लगा है। मान हिमालय के तारकों पर बारिश वर्ष से मृत देह के शिथिल लगाए अस्थि मास तक में प्राण संचार हो रहा है। जनता धीरे धीरे रुक रही है जो और इतना ही नहीं वह कह रहे हैं कि देखो वह निद्रित भारत भी अब जगने हमारा सोया हुआ भारत अब जाग रही है। यानी कि स्वामी विवेकानंद जी के उस समय में ब्रिटिश की सत्ता चलती थी ब्रिटिश का जो दरबार भारत में चलती थी वे हमेशा भारतवासियों को बहुत चूसते थे, सारा काम वहाँ से करवा लेते थे और हमेशा उनको मारपीट किया करते थे। यह सब कुछ स्वामी विवेकानंद जी अपने आंखों से देख रहे थे, इसलिए वह नवयुवकों को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए वह कह रहे हैं कि निद्रित भारत अब जाग रहा है। यानी कि अब वह इतने दिनों तक
अब इतने नहीं है, वह फिर से जा गया है। यानी कि हमारा देश ऐसा देश है, बहुत संपन्न देश माना जाता है, जिसके हिमालय से जो वायु निकलती है, हिमालय की घाटियों से जो वायु निकलती है, वह वायु इतनी शुद्ध है कि खुद उस वायु से जो मरा हुआ देह होता है, वह मरा हुआ देह भी फिर से उसके मांस में अस्थि में वह प्राण पैदा कर देती है। इस तरह से वह हिमालय प्राणप्रद वायु दे रही है, जड़ता धीरे धीरे दूर हो रही है। और इतना ही नहीं, भारत की जो जड़ता थी वह फिर क्या हो रही है, धीरे धीरे से दूर हो रही है। जो कठिनाई है वो हमेशा थोड़ी थोड़ी क्या हो रही है, दूर हो रही है। क्या क्या बता रहे हैं, जो अंधे हैं देख ही नहीं देख सकते, और जो विकृत बुद्धि है देख ही नहीं समझ सकते, देख ही नहीं समझ सकते। हमारी मातृभूमि अपनी गंभीर भूमिका से अब जाग रहे हैं। जो लोग है हमारे भारत में जो वृद्धावस्था जो उनको सुनाई नहीं देता है, उनको उनकी आंखें नहीं है, उनकी जो बुद्धि नहीं है, वैसे लोगों को मात्र ये सब कुछ मालूम नहीं हो रहा है कि हमारा देश अब जाग रहा है। ऐसे लोगों को मात्र समझ में नहीं आ रहा है, जैसे लोग जैसे के उनके आंखें नहीं है, उनको ये हमारा भारत जलना दिखाई नहीं देगा। जिनको बुद्धि नहीं है वैसे लोगों को हमारा भारत जो जाग रही है वो समझ में नहीं आ रही है। यानी कि जो ब्रिटिश की सत्ता है, उस ब्रिटिश सत्ता लोगों को हमारी मातृभूमि जाग रही है वो समझ में नहीं आ रही है, कहते बता रहे हैं। अब कोई उसे रोक नहीं सकता, अब यह फिर सो भी नहीं सकती, कोई बाढ़ शक्ति इस समय इसे दब नहीं सकती, क्योंकि यह असाधारण शक्ति का देश अब जाग कर खड़ा हो रहा है। वे कह रहे हैं कि अब कोई बाह्य शक्ति इस समय हमें दब नहीं सकती है, कोई दूसरे देशवासी हमारे ऊपर दबाने की कोशिश नहीं करेंगे, कोई हमारे ऊपर आक्रमण करने की कोई कोशिश नहीं करेंगे, कोशिश नहीं कर सकते, क्योंकि खुद की शक्ति हमारे देश में अब आ चुकी है। क्या क्या बताते हैं, एक नवीन भारत निकल पड़े, निकले हल पकड़कर किसानों की खुदी भेद कर मछुआ मोची मेहतरों के झोपड़ियों से निकल पड़े, और गोलियों की दुकानों से बुझवा के भाड़ के पास से कारखाने से कार से बाजार से निकले झाड़ियों जंगल पहाड़ों पर्वतों से। यानी कि एक नवीन भारत कहाँ से निकल पड़ी है, यानी कि हमारा जो नवीन भारत जो है वो पूरे भारत के कोने कोने से निकल पड़ी है। जैसे कि किसान अपना हल पकड़ते हुए वो भी क्या कर रहा है, इस नवीन भारत को भारत के निर्माण के लिए वो भी आगे बढ़ रहा है। जैसे कि दुनिया दुकानदार जैसे कि मेहतरों झोपड़ियों से निकल रहे हैं, और जैसे बाजार से निकल रहे हैं, हाट के बाजार से निकल रहे हैं, जो झाड़ियों से जंगलों से पहाड़ों से पर्वतों से, यानी कि हर एक कोने कोने से हर एक व्यक्ति क्या कर रहे हैं, इस नवीन एक नवीन भारत को निर्माण करने के लिए चल पड़े हैं, कहते बता रहे हैं। क्या भारत बन जाएगा तो संसार से सारी आध्यात्मिकता का समूल नाश हो जाएगा, सारे सदाचार पूर्ण आदर्श जीवन का विनाश हो जाएगा। तो क्या भारत बन जाएगा, क्या जब भारत बन जाएगा तो जितने भी इस संसार में आध्यात्मिकता जो है वो सारा सदाचार पूर्ण आदर्श जीवन जो है वो पूरी तरह से विनाश हो जाएगा, क्योंकि हमारे देश में होने वाले जो संस्कृति है, जो सदाचार है, जो आचरण है, जो सभ्यताएं हैं, वे अलग से देशों में देखी नहीं जाती है। उतनी सभ्यता उतना आचरण उतना सदाचार हमारे देश में दिखाई दे चुकी है। अगर ऐसा भारत बन
सारे मतलब सहानुभूति नष्ट हो जाएंगे और उतना ही नहीं धर्म के प्रति जो मतलब सहानुभूति होती है, धर्म के प्रति जो आस्था होती है वो भी सब कुछ क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। यानी कि भारत में ऐसे लोग हैं जो हमेशा भगवान के ऊपर निर्भर होते हैं, ना तो भगवान है उनके मानने वाले लोग हैं। ऐसे भगवान को मानने वाले लोग वह सारे धर्म के प्रति जो उनकी सहानुभूति है वो भी पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी अगर भारत मर गए तो सारे भावुकता का भी लोप हो जाएगा और उसके स्थान में काम रूपी देव और उल्लास रूपी देवी राज करेंगे। धर्म का रोहित होगा प्रतारणा पाषाणिक बल और प्रतिध्वनिता ये ही उनकी पूजा हो जाती है और मानवता उसकी बलि सामग्री हो जाएगी। ऐसी दुर्घटना कभी हो नहीं सकती। यानी कि सारी भावुकता का लोप हो जाएगा अगर भारत मर जाएगा तो सारी भावुकता जो है दूसरों को देखने के बाद हमारे मन में भावुकता उत्पन्न होती है, करुणा उत्पन्न होती है। अगर किसी को चोट लगी है तो हम क्या करते हैं, अरे बाप रे इसको चोट लगी है जल्दी से इसे इसे कुछ औषधि आ जाओ, क्या क्या हम कह रहे हैं। ऐसी जो करुणा की भावना जो है अगर ऐसी करुणा भावना नष्ट हो जाएगी तो उसके स्थान में काम रूपी देव और विलास रूपी देवी राज करेंगी। उसी जगह पर क्या हो जाएगा, काम रूपी देव और विलास रूपी देवी राज करेंगी और वहां पे केवल धन केवल संपत्ति उसकी उजाड़ी हो जाएगी। उजाड़ी या तो पुरोहित उनका धन उनका पुरोहित हो जाएगा और प्रतापन और आशाधिक बल प्रतिद्वंदित ये उनकी पूजा होगी। पाषाणिकता उनके लोगों को अति निष्कृष्ट दृष्टि से देखने की जो विधा है उस तरह से वो बहुत ही नीचा देखना लोगों का पद्धति बन जाएगी और द्वंद्व करना यह सारा उनकी पूजा पद्धति बन जाएगी, मानवता उनकी बलि सामग्री बन जाएगी। और यहाँ पे जो मानवता जो है उसको यहाँ पे क्या बन जाएगी, काम रूपी देव और विलास रूपी देव के सामने एक बलि सामग्री बन जाएगी। ऐसी दुर्घटना मुझे कभी नहीं हो सकती स्वामी विवेकानंद जी बता रहे हैं। इतना सब कुछ होने के लिए नहीं छोड़ेंगे, ऐसा दुर्घटना कभी नहीं हो सकती कहके बता रहे हैं। भारत के राष्ट्रीय आदर्श है त्याग और सेवा। आप इन धाराओं में तीव्रता उत्पन्न कीजिए और शेष सब अपने आप ही हो जाएगा। यानी कि भारत के जो राष्ट्रीय आदर्श जो है वो त्याग और सेवा है। भारत का जो आदर्श है वो क्या है, त्याग करना, किसी के लिए अपने को त्याग करना और देश के लिए सेवा करना, यही त्याग और सेवा भारत के राष्ट्रीय आदर्श बन चुकी है। यह त्याग और सेवा इन धाराओं में तीव्रता जब उत्पन्न हो जाएंगे, उत्पन्न करने से शेष सब अपना आप ठीक हो जाएगा। सभी लोगों में यह भारतवासी के सभी लोगों में त्याग और सेवा करने की मनोबुद्धि जब अपने आप जग जाएंगे तो बाकी का सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा कहके बता रहे हैं। तुम काम के लगे लग जाओ फिर देखोगे इतनी शक्ति आएगी कि तुम उसे संभल सकोगे। यानी कि त्याग और सेवा में अपने आप को डुबा लो तो ऐसे ही काम में निरत हो जाओ कि जो शक्ति जो है फिर देखोगे कि ऐसी शक्ति आप में आ जाएगी, उस शक्ति को खुद आप ही संभल नहीं सकोगे, उतना शक्ति आप में आ जाएगी।
काम करने से भीतर की शक्ति विचार होती है, यानी कि क्या और सेवा करने की मनोभावना जिनमें होती है वो दूसरों के बारे में सोचते हैं। अगर किसी को अगर कोई व्यक्ति भूखा है तो उसके बारे में सोचने की सोचते हैं, प्रतिभा सोचने का काम करोगे तो भीतर की शक्ति अपने आप जाग होती है। उन लोगों के बारे में अगर हम सोचेंगे तो भूखे बन रहे हैं, उनके लिए हमें कुछ करना है, ऐसे अगर हम सोचेंगे तो वह शक्ति अपने आप उठ जाएगी, यानी कि उसको खाना देने की जो शक्ति है वह अपने आप हमारे में जग जाएगी, ये बोलते हैं। और दूसरों तुम लोगों से मैं इतना स्नेह करता हूँ, परंतु यदि तुम लोग दूसरों के लिए परिश्रम करते करते मर भी जाओ तो भी यह देख कर मुझे प्रसन्नता होगी। जैसे कि तुम लोग इतना स्नेह कर तुम लोगों से मैं बहुत स्नेह करता हूँ, भारतवासी लोगों से कह रहे हैं तुम लोगों से मैं बहुत स्नेह करता हूँ, फिर भी तुम क्या करो सेवा करते करते अगर अपना काम को त्याग हो गए तो भी मैं प्रसन्न हो जाऊँगा, तो भी मैं दुखी नहीं हो जाऊँगा, प्रसन्न हो जाऊँगा, उनके बता देते हैं। जैसे कि सही लोग जो होते हैं वो अपने देश के लिए हमेशा त्याग और बलिदान देने के लिए देश की सेवा के लिए हमेशा सरहद पर तैनात रहते हैं, हमेशा हर तैयार रहते हैं। इसलिए वह विवेकानंद जी कहते हैं अगर तुम परिश्रम करते करते मर भी जाओगे तो मैं उसे देखकर दुखी नहीं हो जाऊंगा बल्कि प्रसन्न हो जाऊंगा, करके बता रहे हैं। केवल वही व्यक्ति सबकी हमेशा उत्तम रूप से कार्य करता है, पूर्णतया निस्वार्थी है, जिसे न तो धन की लालसा है न कीर्ति की और किसी अन्य वस्तु की, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो काम कर सकता है अपेक्षा उत्तम रूप से कर सकता है, सबकी अपेक्षा उत्तम रूप से कर सकता है, वो व्यक्ति निस्वार्थ होना चाहिए, उसमें कोई अपेक्षा नहीं होना चाहिए, उसमें कोई धन की लालसा नहीं होनी चाहिए, उसमें कोई कीर्ति और सम्मान की वह आशा नहीं रखना चाहिए, ऐसा एक निस्वार्थ व्यक्ति होना चाहिए, उस निस्वार्थ व्यक्ति से ही यह कार्य संपन्न हो सकता है। और मनुष्य जब ऐसा करने के समर्थ हो जाएगा तो वह भी एक भूत बन जाएगा और उसके भीतर एक ऐसी शक्ति प्रकट होगी जो संसार की अवस्था को संपूर्ण रूप से परिवर्तित कर सकती है। अगर एक व्यक्ति निस्वार्थ है तो वह कोई धन या तो संपत्ति या तो कीर्ति की तरफ नहीं झुकता है, तो ऐसे व्यक्ति क्या बन सकता है, बुद्ध बन सकता है। तो बुद्ध बनने से उसने ऐसा हर एक व्यक्ति वह बुद्ध बन सकता है और उसमें एक ऐसी शक्ति प्रकट होती है जो संसार के संपूर्ण रूप से उन्हें क्या कर सकता है, संसार को परिवर्तित कर सकता है, ऐसी शक्ति उसमें आ जाती है। जब तक वो भूखे और अशिक्षित रहेंगे तब तक मैं प्रत्येक उस आदमी को विश्वासघात समझूंगा जो उनके खर्च पर शिक्षित हुआ है और जो परतने की ध्यान नहीं देता। वे लोग जिन्होंने गरीबों को उजला कर धन पैदा किया है और वह आठ आठ से आठ कर चलते हैं, यदि 20 करोड़ देशवासियों के लिए जो इस समय भूखे और असभ्य बने हुए हैं कुछ नहीं करते तो वे धरना के पात्र हैं। जब तक लोग भूखे हैं अशिक्षित हैं, यानी कि भारत में जितने भी भूखे लोग हैं, जितने भी लोग अशिक्षित हैं, उन लोगों के लिए प्रत्येक आदमी विश्वासघातक हो सकता है, या तो विश्वासघातक समझूंगा। कौन से व्यक्ति को विश्वासघातक समझूंगा, जो व्यक्ति उन्हीं लोगों के पैसे से आज शिक्षित बन चुका है और उतना नहीं वह हमेशा काम बांट से
इस 20 करोड़ देशवासियों के लिए इस समय मुख्य असभ्य और बने हुए हैं, कुछ नहीं करते तो ऐसे लोगों को तिरस्कार करना है। जो नाम पढ़ते हुए हैं, जो शिक्षित होते हैं, फिर भूखे और अशिक्षित लोगों की तरफ एक बार भी नहीं देखते, उसकी तरफ नहीं देख रहे हैं, उसकी उसको शिक्षा देने की कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को मैं क्या करना हूँ, तिरस्कार करना देखे बता रहे हैं। हमेशा मरते जलो मरते बनकर गरीबों और पदार्थों के लिए सहानुभूति, यही हमारा आकर्षण है। वीर को बड़े चलो, ईश्वर के प्रति आस्था, ईश्वर के प्रति आस्था रखो, किसी चालबाजी की आवश्यकता नहीं, उसे कुछ नहीं होता। हमेशा बढ़ते चलो, मरते बनकर बढ़ते चलो, आगे बढ़ो, जैसे कि गरीबों के लिए पदार्थों के लिए सहानुभूति व्यक्त कीजिएगा, आदर्श के लिए आदर्श व्यक्त कीजिएगा, ठीक है, बता रहे हैं। और ईश्वर के प्रति हमें आस्था की भावना रखनी चाहिए, ईश्वर के प्रति या तो भगवान के प्रति हमें आस्था की भावना रखनी चाहिए। कोई चालबाजी करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान के सामने कोई चालबाजी नहीं चलती है, उससे कुछ नहीं हो सकता है। यानी कि कोई चालबाजी करने से भगवान के सामने कुछ नहीं हो सकता, आरोपियों का दर्द समझो और ईश्वर से सहायता की प्रार्थना करो, वह अवश्य मिलेगी। जो दुखी है, जो दीन है, जो जिनको खाना नहीं मिल रहा है, जिनको शिक्षा नहीं मिल रही है, ऐसे दीन दुखियों लोगों के बारे में सोचो और वह समझो और दर्द उनके उनके प्रति दर्द को महसूस करो और ईश्वर से सहायता की मांग करोगे, प्रार्थना करोगे तो प्रार्थना अवश्य आपको मिलेगी, प्रार्थना में सफलता अवश्य आपको मिलेगी। उनको मैं करूँगा, उनको और उनके लिए समानुभूति और प्रार्थना प्रयत्न को प्रार्थना प्रयत्न को हाथी के तौर पर उन्हें अर्पण करता हूँ। गरीबों को और पीड़ितों के लिए, जो लोग गरीब हैं, पीड़ित है और सहानुभूति लोगों के ऊपर हमें दिखाना चाहिए, ऐसा प्रयत्न मैं कर रहा हूँ और हमेशा करता रहा हूँ, ऐसा विश्वास को मैं दिला रहा हूँ कि मैं उनको सहायता करूँगा। जो गरीब है, जो पीड़ित है, ऐसे लोगों को मैं सहायता करूँगा, क्योंकि वहाँ बता रहा हूँ विश्वास हमारा को विश्वास को दिला रहे हैं। प्रतिज्ञा करो कि अपना सारा जीवन 20-30 करोड़ लोगों के उद्धार कार्य में लगा दोगे, जो दिनों दिन अवनति के दर्द में गिरते जा रहे हैं, यानी कि जो दिनों दिन अवनति के दर्द में गिरते जा रहे हैं, उनके उद्धार के लिए हमें आज प्रतिज्ञा करनी चाहिए, क्योंकि हमें क्या करना है, बचाना है उनको, हमें भूखा रहना नहीं देना है, उनको भी शिक्षा देनी है, जो मूल सौकर्य जो होते हैं वो सारे उनको देना है। ऐसे प्रतिज्ञा हमें आज जीवन में करनी चाहिए, 20 करोड़ लोगों के उद्धार कार्य के लिए ऐसी प्रतिज्ञा हमें करनी चाहिए। कह रहे हैं यदि तुम सचमुच मेरी संतान हो तो तुम किसी वस्तु से न डरोगे, न किसी पर किसी बात पर रुकोगे, तुम सिंह जैसे होगे, हमें भारत को और पूरे संसार को जगाना है। यदि तुम सचमुच मेरे संतान हो तो तुम किसी वस्तु से न डरोगे, और इतना ही नहीं, तुम सिंह जिस तरह से सिंह किसी से नहीं डरता है, कोई काम करने से नहीं डरता है, उस तरह से तुम लोग भी कभी नहीं डरोगे, बता रहे हैं हमें भारत और पूरे संसार को जगाना है। केवल हमें भारत को ही नहीं बल्कि पूरे संसार को भी हमें जगाना है, देखिए बताते हैं। तुम तो ईश्वर के संतान हो, अमर आनंद के भागी हो, पवित्र और पूर्ण आत्मा हो, अब तुम कैसे
निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, बता रहे हैं।